ये जोड़ से आए ठग जा, इन्हें रुपए मिले थे बुगटो वहां थे, विदेश तक पैसा रहा था। लगाओ जोर लगाओ जोर, जो किसान है ना उसे खेत ही टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिल रही, पैसे मिलते हैं। हाँ वो पैसे ही तो पैसे पर तो ले, कोई कहीं चले जाते थरता पैसे दे तो 50 लाख रुपए हम भी परे चल दोगे कहीं और। आपको कितने पैसे मिल रहे हैं भाजपा वालों के साथ घूमने? दिलता है दिलता है। आपको भी पैसे मिल रहे हैं? हम दिलते हैं भाई दिलते हैं, हम दिलते हैं। मेरे मेरे दाऊ की भैंस खोल ली थी समाजवादी पार्टी में, पर रिपोर्ट भी नहीं लिखी। अरे भैंस गैन हुई फिरा 24 घंटे, कोई इनका अंगड़ी भी लगाता, कोई समोसा खा के कोई चाय पी के हो रहा है तो भाई पेट पूजा तो सब खाएंगे पियेंगे, दारू तो नहीं पी रहे। ऐसा नहीं होता कि कोई भी पैसे लेके कहीं भी पहुंच जाए? नहीं पैसा तो बहुत बुरी माया बावड़ो या तो कती। वही तो पूछ रहा आपको कितने मिले भाजपा वाले? नहीं हम तो दिलता है भाई दिल से। हाँ दिल से बिल्कुल। लेकिन नहीं, नहीं पैसा तो जेब में बटवा देख ले, तो पैसे दिलवाए तो उधर चले जाएंगे क्या? हाँ जी हाँ 5-4 करोड़ में तो चले जाएंगे, वैसे अंजाड़े के बीच नहीं हड़के नहीं बिकने, महंगे बिक जाएंगे। हाँ आपका फिर भी नहीं नहीं जमी भाई मेरी सुनो, बड़े बड़े नेता बिक गए। अच्छा। क्या नाम है आपका? विनोद जैन। क्या लग रहा है विनोद जी, माहौल क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया रहेगा जी, बहुत बढ़िया रहेगा। ये केला खा के बढ़िया कर रहे हैं? नहीं नहीं हम तो पहले से जुड़े हुए, और पहले योजना में 2.5 साल पहले घोषणा कर दी थी, मगर आप यहाँ रहे 2.5 साल पहले ही घोषणा कर दी थी जी। अरे महंगाई हो गई इतनी ज्यादा? अरे हो तो महंगाई तो सारी हमारे से हो रही है। ये वीडियो में आ गए आप भाजपा की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं लिस्ट बना रहे हैं एक आदमी की। हम डरेगा, हम तो यहाँ 14 वर्ष से डर रहे हैं। अच्छा बस हाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब, एक बार थोड़ा सा जाने दीजिए। हाँ क्या कह रहे हैं अखिलेश? तो करो टोटी तार लगा, बची कुछ जो बची कुछ रहेगी। अरे भाई साहब लिस्ट बना रहे पकड़ेंगे। तो लिस्ट का टोटी की बना रहा, किसके घर में कितनी लग रही? टोटी की नहीं बना रहे, कह रहे जो अभी बदतमीजी कर रहे हैं सपा के कार्यकर्ताओं के साथ या उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ क्या बात है, फिर तो मैं जोर देखूंगा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वीडियो में नाम मेरा ले लो, आशु पंडित है, जरूर टॉप पे नाम रखना। पंडित जी हैं जी? बिल्कुल है जी। पंडित जी भी तो मामला बड़ा गरमाया, फरसे लगा रहे बड़े बड़े अखिलेश यादव। तो लगा लेने तो फर्जी है, कुछ नहीं है। वो फरसा लगाया था उन्होंने, 2 दिन बाद गिरा पड़ा था नीचे। अगर आपने देखा मीडिया वालों ने दिखाया था, देखा था फरसा गिर गया? बिल्कुल गिर गया, 2 दिन बाद ही गिर गया। गुजरों का यहाँ पर बाहुल्य है, मुस्लिमों का है, ब्राह्मणों में क्या कुछ चल रहा है पंडित जी? ब्राह्मणों में सिर्फ भाजपा चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है, एक तरफा भाजपा लहर। आपको भाजपा दिख रही है उधर, ये ठोके जा रहे हैं बड़े बड़े भाजपा? कौन से ठोके जा रहे हैं, किसने कह दिया आपसे? विकास दुबे ठोके? कुछ नहीं, वो तो चोर था जो बदमाश है, जो बदमाश तो मरन जाएंगे। जिस जो सीओ मरा था वो ब्राह्मण नहीं था, वो तो पंडित ही था जी, भी तो मारा गया। वो भी क्या विकास दुबे वगैरह समर्थन नहीं करते? कुछ नहीं समर्थन है किसी तरह का, हमारा समर्थन सिर्फ जो है ईमानदार सच्चाई के साथ, और किसी के साथ नहीं है। ईमानदार सच्चाई के बिल्कुल साथ है। सबका साथ सबका विकास, योगी मोदी जिंदाबाद। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, आप योगी मोदी जिंदाबाद। पहले युवाओं क्या था, डीएम थे एसडीएम थे क्या थे? आज से पहले जो युवा कह रहे कि रोजगार, पहले डीएम थे एसडीएम थे क्या थे? पूछ तो लोन थे पहले सारे, पहले सड़कों पर फिर रहे, आज भी फिर रहे। चलिएगा देखिए पंडित जी तो समोसा खा रहे हैं, भाजपा को वोट दे रहे हैं। भाजपा तो वोट नहीं सपोर्ट दे रहे भाई, समोसा खा के, समोसा खा के पेट में गिरेगा जी, भी तो कुछ आगे 5 लगा और जीतेंगे, बहुत ज्यादा वोटो जीतेंगे। कोई गठबंधन का क्या असर है? गठबंधन तो यो ठगबंधन है, ठगबंधन ठगबंधन है, एक समोसे में ठगबंधन हो गया। अरे एक समोसे में नहीं, यो ठगबंधन है, रहेगा भी ठगबंधन, समोसे ने गठबंधन तो पहले भी था, गठबंधन पहले भी था। हाँ और पहला ज्यादा था, तो अब क्या होगा गठबंधन से? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं केवल बाबा योगी धर देंगे, बाबा योगी तय हो गए, दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे। अरे ढूंढे नहीं पाएंगे आप लोग 10 तारीख को, मैं बता रहा हूं। नहीं दोबारा आएंगे, हम ही रहेंगे, हम ही रहेंगे। चौधरी परिवार है सामने, नौमान मसूद है, रहेंगे। जन्मते इतने बड़े हुए लिया रात कभी, दूसरे तीसरे की लड़ाई में लग रहे हैं। अगर हमारा हट का टिकट हो जा बस, केवल यू ही नहीं और कुछ नहीं है, बस इसमें चल रहा है, बस इसमें चल रहा है, दूसरे बाजो तीसरे बाजो बस यू ही नहीं, इसका ज्यादा कुछ नहीं है। क्या नाम भाई साहब? सुमित भारद्वाज। पंडित जी जी क्या है मामला? देखो सर स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भी पंडितों ने जलाई थी और बाद की भी। अच्छा। और ये भी एक तरीके का देश को बचाने का संग्राम ही चल रहा है जी, वो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हो। भाजपा एक भाजपा ही है जो देश बचाएगी, बाकी सब नहीं बचाएंगे क्या? कहाँ बचाई सर, वो कश्मीर में जब नरसंहार हुआ था कौन था जी सरकार में? अच्छा। भाजपा तो नहीं थी उस टाइम, देखो क्या हुआ, ये सहारनपुर में यहाँ से दुकानें जला दी गई थी, व्यापारियों से उनका निवाला तक छीन लिया गया, तब तो किसी ने नहीं सोचा, कोई भी गठबंधन वाला नहीं आया जी। आप पिछले 5 साल में बता दो मुझे उत्तर प्रदेश में कौन सा दंगा हुआ यहाँ? अजी यहाँ का था किस्सा, ये ट्रेन सर लोग उतरे कि आप 4:30 बजे जलालाबाद, तो वे लूट लिया जी सारे के सारे। हाँ जी शाम को
पांच बजे के बाद अगर किसी को ट्रेन से आना होता तो 10 आदमी से लेने के लिए जाते, एक आदमी उधर से होता, अब अकेला आदमी चला जा रहा। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर था जी वैसे, पर मेरे पिता के देहांत के बाद मैंने जॉब छोड़ दी। अब क्या करते हैं? फार्मासिस्ट हूँ। इंजीनियर थे, फार्मासिस्ट? हाँ जी, फार्मेसी की। रोजगार नहीं मिला तभी तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी घर की अपनी समस्याएं थी, निजी समस्याएं थी, मेरे परिवार में दूसरा मेरे भाई के अलावा कोई नहीं था जो चला सके, तो मैं उनके सहयोग के लिए नौकरी छोड़ कर गया, किसी ने दबाव नहीं कराया, कंपनी ने निकाला। अच्छा, माइक भी घोसले जितते तार पता, माइक भी घोसले जगह कर, जो अखिलेश की सरकार है कि वो माइक भी घोसले लगे, फिर तो ऐसा भी नहीं किसी का इंटरव्यू ले लो, खत्म हो जाएगा सारा सिस्टम। माइक को कैसे कोई हाथ लगा? अजी बहुत बुरी सरकार है अखिलेश की। हाँ, अखिलेश की सरकार में जी ट्रेन लूट ले। क्या नाम है जी? मेरा नहीं, बिल्लू राणा। क्या लग रहा माहौल? क्या है माहौल? बीजेपी का है सर। बीजेपी का है, तय हो गया? तय है पक्का। सामने चौधरी परिवार है, नौमान? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो हर बार आते हैं, हर बार आते हैं, हर बार। पिछले बार नहीं लग रहा? कुछ नहीं, पिछले बार तीसरे नंबर पर थे, अगली बार उससे नीचे जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे यहाँ सुरक्षा का मुद्दा है, अगर हम सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर हम इस सरकार में हम अपने सही काम कर रहे हैं टाइम पे, मतलब रात को आ जाओ, कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र हैं लोग हर चीज़ से, चाहे वो शिक्षा का हो, विकास का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे सरकार काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यही है, इसीलिए हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। बाबा जी आओगे? बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। हाँ, क्या करते हैं? सुधार कर दिया। मैं तो जी मजदूरी वगैरह करता हूँ। चल जाता घर का काम 400 रुपए की मजदूरी में? चल तो रहा नहीं जी वैसे, फिर भी बाबा जी मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, कम से कम गुंडागर्दी तो बंद है जी, इतनी गुंडागर्दी दिन में ही लूट जाते थे, अब का सुकून तो है, महंगाई से तो निमट लेंगे, गुंडागर्दी से निमट लेंगे। घर का गुजारा नहीं चल रहा, फिर भी बाबा जी, योगी बाबा जी सही काम कर रहे हैं, वही आओगे, उत्तर प्रदेश में वही रहेंगे। ऐसे होते हैं अंधे भगत। अंधे नहीं, हमें तो दिख रहा जी, भगतों के लारा भगत है जी। सबसे बड़ी बात ये है, इस सरकार में जितने काम हुए किसी भी सरकार में नहीं हुए, हम तो ये है, हम उस माहौल में हम पैदा हुए जिस माहौल में इतना भय था, इतना डर था, लेकिन आज हमें पता सुरक्षित कितने हैं हम, और हम उस माहौल में रह रहे जहाँ विशेष संप्रदाय के लोग, उस माहौल में आप रह के दिखाओ और फिर पता चलेगा कि ये सरकार क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, कानून व्यवस्था के मामले में आज इस सरकार का डंका बज रहा है पूरे। इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, एक बार इनसे भी बातचीत कर लें। क्या नाम भाई साहब? अरे चौधरी जी। चौधरी साहब, सामने भी चौधरी साहब। अच्छा जी, और नौमान मसूद, क्या लग रहा मामला, क्या चल रहा है? मामला क्या चल रहा है जी? बीजेपी है। बीजेपी है? हाँ जी। इतना आसान लग रहा है क्या आपको? आसान ही है जी। आसान है? हाँ जी। क्या कैसे? युवाओं को रोजगार नहीं, महंगाई इतनी ज्यादा, उसके बाद भी बीजेपी? देखो महंगाई की बात ऐसी है, चाहे बर्गर खाए जा चाहे ना खाए जा, वोट फूल पे जाएगी। बर्गर खाए जाए चाहे ना खाए जाए, वोट फूल पे जाएगी। बर्गर कर महंगाई से क्या मतलब है भाई साहब? महंगाई तो उसमें भी चली होगी कहीं ना कहीं, तेल ताल भी तो महंगे हो रहे होंगे। अच्छा, नहीं तो बर्गर से जोड़ दिया तेल को, बस हर चीज तो जोड़ दिया जी। बीजेपी है की बार फिर सही कह रहे हैं। बिल्कुल जी, 100 के 100%, बल्कि 101%, 200%, 100% का ग्राम। क्या कह रहे? 200% बीजेपी आएगी अब की बार। चाय भी मोदी जी वाली पी रहे हैं? चाय तो चाय पी रहे हैं तो बोझ अभी तो मोदी के साथ है। चाय में बीजेपी होगी बिल्कुल, जिसका खाएंगे उसी का तो रहेगा। जिसका खाएंगे। मेरा नाम है सोनू जाट, ठीक है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि अपनी सब सुरक्षा है। एक बार दोबारा नाम बताइए। सोनू जाट, गांव मैंगी, तहसील लगू, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। क्या कर रहे हैं भाजपा वालों के साथ? अरे उधर गठबंधन के साथ। गठबंधन क्या हो रहा है, सब थोड़ा पागल होंगे? जाट पागल नहीं है, बीजेपी के साथ है। जाट तो हमेशा से शाणे हैं, पागल कौन कह रहा है? तो तभी तो बीजेपी के साथ है। मार्शल कौम है, इनको कौन पागल कह रहा है? तो गठबंधन में तो नहीं है हम तो बीजेपी के साथ है। क्यों बीजेपी में ऐसा क्या हो गया? बीजेपी शेरों की पार्टी है, शेरों की। भूल गए 750 किसान शहीद हो गए वहाँ बॉर्डर पे। कौन अपनी कमी में हुए हैं? वो भी किसान नहीं थे। अब ये देखिएगा, आप भी किसान नहीं थे? आप किसान? किसान तो यहाँ हमारे सारे यहाँ पे। आप किसान हैं? हाँ, हम किसान हैं। तो क्यों फिर किसानों की बेइज्जती कर रहे? क्या किसान नहीं थे? कौन किसान थे यार वो लोग? जो जोन से आप बात कर रहे हो, मर गए जो नहीं शहीद हो गए, जो शहीद हुए हैं वो वहां अगर किसान होते तो शहीद ना होते, ठीक है? वो दूसरी पार्टी के भेजे हुए थे, चेले थे बता या, रहे हैं। या, नहीं, किसानों के लिए थोड़ी इज्जत की नहीं जी। जो खेत में टाइम नहीं मिल रहा भाई। क्या कह रहे? किसान ने तो खेत में टाइम नहीं मिल रहा, ये जोड़ से आए ठग जा, इन्हें रुपए मिल रहे थे बुगटो वहां थे, विदेश तक पैसा आ रहा था, लगाओ जोर लगाओ जोर। जो किसान है ना उसे खेत ही टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिल रही।
यही पैसे मिलते हैं। हाँ वो पैसे ही तो पैसे पर तो ले कोई कहीं चले जाते थरथर पैसे दे दो 50 लाख रुपए हम भी पर चल दोगे कहीं और। आपको कितने पैसे मिल रहे हैं भाजपा वालों के साथ घूमने? दिलता है दिलता है। आपको पैसे मिल रहे हैं? हम दिलता है भाई दिलता है हम दिलता है। मेरे मेरे दाऊ की भैंस खोल ली थी समाजवादी पार्टी में और रिपोर्ट भी नहीं लिखी। अरे भैंस गान हुई फिरा 24 घंटे कोई इनका अंगड़ी बिल लगाता कोई समोसा खा के कोई चाय पी के हो रहा है तो भाई पेट पूजा तो सब खाओगे पियेंगे दारू तो नहीं पी रहे। ऐसा नहीं होता कि कोई भी पैसे लेके कहीं भी पहुंच जाता? नहीं पैसा तो बहुत बुरी माया बावड़ो या तो कती। वही तो पूछ रहा आपको कितने मिले भाजपा वाले? नहीं हम तो दिलता है भाई दिल से। हाँ दिल से बिल्कुल लेकिन नहीं, नहीं पैसा तो जेब में ही बटवा देख ले। तो पैसे दिलवाए तो उधर चले जाएंगे क्या? हाँ जी 5-4 करोड़ में तो चले जाएंगे वैसे अंजड़े के बीच नहाड़ के नहीं बिकने महंगे बिक जाएंगे। हाँ आपका फिर भी नहीं नहीं जमी भाई मेरी सुनो बड़े बड़े नेता बिक गए बड़े 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 सुनिए बड़े बड़े नेता बिक गए कार्यकर्ता बिक जाए जयंत सिंह ये जो जयंत चौधरी है ये क्या करेगा? यू करेगा 1-2 सीट रिकट की इसकी फेरी सण आएंगे की कमी है क्या उनके पास? कमी तो सब पे है किस पे नहीं है पैसा तो भाई सब पे कमी रहेगी और रहेगी भी सारी उम्र। लेकिन वहाँ कोई किसान नहीं था वहाँ सब ठग थे किसान अपने केवल खेत में था और रहेगा भी खेत में ही भाई एसी में पड़े तो एसी में पड़े। अरे भाई हलवा मार रहे गाजर का हलवा मार रहे बर्फी मार रहे अन्य किसान ने तो भाई 2 रोटी चटनी जल्लो मिला और उन्ना खा के अपना हल्ला करा। चटनी वाला किसान नहीं रहा भाई चटनी वाला ही किसान है सब किसान है भाई सच्चाई नहीं है क्या बात है? यही है और कुछ नहीं है भाई। आपके विचार थोड़े गलत है सही नहीं लगे। देखिएगा यहाँ पर ये भाजपा के कह रहे हैं कि समर्थक हैं हम पर इनके विचार हमें समझ नहीं आए। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9।